देखो हम यहाँ पर जो है थाना भवन से शादी में शरीक होने के लिए आए थे, साथ में हमारे मामा के लड़के भी थाना भवन से आए थे। वैसे ये मोइन के खाला के लड़के भी है। इनकी एज बताइए पहले आप। इनकी एज लगभग 12 साल जैसे यहाँ पर मतलब ये स्टार हेरिटेज में पहुँचे थे, तब इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर और मोइन की शादी देखकर अपना शादी का मन बना लिया। तब से हमें परेशान किया जा रहा है, लगातार रो रहा है और जो है मतलब इसने अपनी डिमांड रखी, तो आज उस हिसाब से हम यहाँ पर आप लोग घर पहुँचे इसे लेकर, और इसने जो भी अपनी जायज तमन्ना थी बता दी। अब हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि भैया सुन लो इसकी, क्योंकि इसकी बात सुनने में हमारा फायदा है। तो देखो ये जो हमारे साथ एक छोटे से नए मेहमान हैं, इनका नाम है शाने आलम, और ये आज इनका जो हम रिश्ता करवा रहे हैं, इनकी जो डिमांड है वो सुनते हैं, और ये रिश्ता किससे करेंगे वो भी इनसे ही पूछते हैं। तो आप किससे करवाना चाहते हो अपनी शादी? ये करवाना चाहते हैं महक से, सना से नहीं करनी। तो ये महक से करवाना चाहते हैं, महक इनको पसंद है। तो महक पसंद क्यों है? पहली तो बजे महक क्यों पसंद है? तुम्हें बस पसंद है तो पसंद है, जोर से बताओ आप महक क्यों पसंद है? बस पसंद है, बस पसंद है। आपको नाम पता है महक का सच्ची में? अच्छा, कि महक ही है वो इनकी। अगर एक ये भी वजह है, ये कह रहे हैं कि महक हमारे घर को जा करके महका देगी। अच्छा अच्छा, तो अब शादी में क्या क्या लोगे आप बता दो। एक तो पापा को कार। अच्छा, पापा को कार कलर कैसा उसका? व्हाइट कलर होगी पापा की। और जो तुम्हें मिलेगी वो कौन सी? वो रेड कलर की कार तुम्हें। दो कार ठीक है। और एक स्कूटी इनके भाई बैठे हैं रे पीछे, इमरान भाई। इनके लिए पहले ही डिमांड रखते कि मेरे कुछ हो ना हो मेरे भाई के लिए पहले हो स्पेशल वाली स्कूटी। और कोई तो दो। हाँ, और भाई जब अब एक मामा की, हाँ एक मामा की क्या बाइक, एक मामा के लिए बाइक ठीक है, मामा के लिए भी। और अम्मी के लिए, अम्मी के लिए पिंक कलर की स्कूटी नहीं, तो बस दो कार चाहिए, एक बाइक एक स्कूटी। अब भाई एक चीज बता, मैं तेरा इतना सब कुछ करवा रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ दोगे नहीं? बिचौलिया को मुझे बाइक मिलेगी। मामा क्या देंगे? मामा क्या दोगे? ये बाइक तो अपनी तरफ से देगी। मामा को कुछ नहीं दोगे आप? इनकी जो है जो रिंग सेरेमनी आज ही करा देंगे, आज ठीक है, सगाई आज पक्की है। तो बुलवा दो महक आज, मैं पूछ लेते हैं, देख तुम्हारे सामने हाँ तो करवा दे। हाँ हाँ सामने हाँ करवा दे। तो ये बताओ तुम्हें जो है, तो महक आ रही है अभी, तो हियर इज द ब्राइड, मतलब होने वाली ये दूल्हा, ये दूल्हा। तो कमेंट सेक्शन में बताना इनका मैच कैसा रहेगा। थोड़े से शर्मा, कोई नहीं, सब बात पक्की है। तो ये बताओ तुम्हें ये पसंद है ना? बिल्कुल, बाद में मत कहना कि मुझे पसंद नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले बताओ बाजी वाली वो तो नहीं है ना इनसे कोई? नहीं, नहीं, बस ये महक पसंद है। अच्छा, महक तुम्हें पसंद है? बहुत क्यूट है। हाँ, इन्होंने पहले ही कह दिया मेरे जैसा लड़का मिलेगा नहीं, जो लड़के मिलेंगे वो ऐसे हैं, वो स्कूल से भाग जाते हैं। बताओ कैसे कैसे लड़के हैं आजकल? एक तो ऐसा स्कूल में अब भाग जाओ तो वो ऐसा आवारा फिर है। तो आप जैसे लड़के इसको मिल, मतलब इस तरह के लड़के नहीं मिलेंगे क्या? किस तरह के लड़के आजकल स्कूल से भाग जाने वाले? आवारा और काले भी हैं, साफ सुथरा लड़का गोरा ऐसा नहीं मिलेगा महक के। और देखो महक ने भी ना दुपट्टा पट्टा सेट कर लिया है पूरा, महक ने भी पूरी अपना सही से, और वो शर्मा भी रही है। तो महक इस छोटे से मतलब होने वाले दूल्हे के बारे में क्या कहना है? उसने अपनी बचपन की फरमाइश बता दी है। आपको पसंद है? ठीक है भाई, अभी तुम्हारा वो खुद पाल लेगी इसको, इसकी बात सुनने में हमारा फायदा है। एक स्कूटी स्कूटी और ऐसा ना हो कि, और इसकी बात करवाने में फायदा, मुझे बाइक मिलेगी। और आपको क्या फायदा है? इनके पापा को क्या फायदा? पापा को कार मिलेगी, कार मिलवा रहे हैं। क्या मिलेगी? और आपको क्या? एक रेड कलर की कार और एक महक। अच्छा, महक को क्या दोगे गिफ्ट में आप? स्कूटी देंगे भाई। आपसे स्कूटी लेके महक को स्कूटी मांगा, एक अपने पास से लाएगा ना ये।
अपने पास से मेरी स्कूटी बुलाता हूँ। मैं आपकी क्या डिमांड है आपके घर वालों से? पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना बच्चे। हाँ जी जी, आप लड़की की बात पक्की हो चुकी है। देखो कितनी प्यारी है। मैं महक को ही पसंद कर रहा हूँ और महक से ही शादी करूंगा। अच्छा यूं कर रहा, किसी और से नहीं, ना साना से नहीं, केवल महक से ही। डिमांड सुन लो, सुन लो, ये बता दे डिमांड। इमरान भाई के लिए एक वो चाहिए स्कूटी, अपने लिए रेड कलर की कार चाहिए, पापा के लिए व्हाइट कलर की, और जो मैं करवा रहा हूँ मेरे लिए बाइक चाहिए। और मेरे से ही करे मेरी बात पक्की करवा दो, आज ये कभी बाद में मना करें। और ये कह रहा आजकल कैसे कैसे मतलब, हाँ ये भी कह रहे हैं आजकल लड़के बहुत खराब मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे स्कूल से भाग जाते हैं, हमारा मिलेंगे या काले पीले मिलेंगे, मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अरे कह रहे मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। महक से भी कहती तुम्हें स्कूटी दूंगा एक, ये वाहनों की लाइन लगा देगा। बताओ जी क्या चलो बात हम पक्की करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ मैरिज इधर सर बहुत ज्यादा हमारी खिदमत कर रहे हैं आज। बहुत बढ़िया। और तो भाई साहब के लिए देखो ये वाली मतलब सिलेक्ट किया है इन्होंने, इनको यूट्यूब पे देखा है तो बोलो बुलाओ इनको। आने में लेट हो गया, चोट आया दो चार साल लेट हो गया वैसे। अच्छा तो बच्चे के फादर ये हैं, तो आप जो है रिश्ता मांग रहा है आपका बेटा, कुछ कहना है आपको? बच्चा जिद पकड़ रहा है, बताइए। नहीं मतलब अभी तो ना बच्चे के फादर इतने हैंडसम है कि रिश्ते इनके लिए ही आ जाएंगे। इमोशनल तो नहीं हो रही है? जी जी। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजाक मजाक में ये छोटा सा क्यूट बॉय इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि बोला कि मेरी तो इंगेजमेंट ही करा दो महक के साथ। तो बस ऐसे ही हम लोग मजाक मजाक में, क्योंकि बाकी का फंक्शन ये चल रहा था, तो ब्राइड और ग्रूम के पास हमने इसको ला करके बिठा दिया कि चलो तुम्हारी भी इंगेजमेंट कराते हैं, और ही वॉज टू सीरियस, तो बहुत ज़्यादा ये सीरियस था। और सब लोगों ने बोला कोई बात नहीं, ये छोटा सा बच्चा है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर हम इसके साथ भी कुछ इस तरीके का करते हैं। तो अम्मी ने इसको ला करके बिठा दिया और एक छोटे से दूल्हे की तरह मतलब इसके गले में एक रेड दुपट्टा डाला, देन इसके जो है सलामी टाइप कुछ की यहाँ पर, और इसको मिठाई वगैरह भी खुलाई, गोला भी दिया। तो और यहाँ पर ना ये बच्चा ना इतना चालू है, बहुत क्यूट है, साथ ही साथ कि बोल रहा था कि रिंग ही अपनी अम्मी की यू नो फिंगर में से निकाल करके लाया, ज़बरदस्ती अपनी अम्मी से जो है रिंग छीन करके लाया कि मुझे महक को पहनानी है। और ना इधर खालू से इसने कान में बोला कि जो है मुझे पैसे भी दो कि मुझे देने हैं। तो ही वॉज टू क्यूट टू सीरियस अबाउट महक। तो सीरियस ये बड़े करने लिया है सुनना, तो मैं बड़े होने करने जा रहा है इसका, मैं तुझे पता है इस पर देवे लेने से काम बचता है। खड़ा करो इनके हाइट का,
अरे जैसे छुट रहा था मैं छोड़ दूंगी कोई बात नहीं अच्छे से और फाइनली इस मजाक के बाद महक ने भी इसको छेड़ते हुए कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और इस तरीके से फंक्शन ओवर होने के बाद ये सब लोग अपने घर गए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठा हुआ है, साथ में इसकी अम्मी भी खड़ी हुई है।